साहब हम जब आते हैं तो मास्टर लोग घर चले जाते हैं, हम बाद में ताला बंद करके घर जाते हैं। तो ये अपने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इनको तो रसोइयों का मानदेय कहना ही नहीं चाहिए। बर्तन है वो भी हम सब धुलते हैं और ऊपर से मास्टर हेड मास्टर वो आप भी दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि हमको 10,000 तनख्वाह मिले। 9 बजे के स्कूल में 8:30 बजे आते हैं और 7 बजे के स्कूल में 6:30 बजे आते हैं। 1500 रुपए में बच्चे पढ़ाए कि घर चलाए, क्या करें हम? लेकिन हम क्या करें, साल भर की उसकी फीस भी हम नहीं जमा कर पाए, हम क्या करें? आपके नाम भी कटवाते हैं, जितना भी रहता कार्य करते हैं, बच्चों का खाना बनाना, बर्तन धुलना, साफ सफाई हर चीज, उसके अलावा पूरा पूरे विद्यालय की सफाई, जितना भी टॉयलेट गंदा है उसकी सफाई, पूरे यूपी के रसोइया का अभी 8 महीने मार्च से तनखा आज तक 1 रुपए नहीं आई है। क्या करें सर? मुख्यमंत्री जी यदि हम लोगों को देना है तो दीजिए, न था अभी जहर दे के मार दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्ता को, मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। ये जो मेरे पीछे लेडीजों की भीड़ आपको इको गार्डन के अंदर, लखनऊ के इको गार्डन के अंदर जो नज़र आ रही है, ये वो लेडीजें हैं जो खाना बनाती हैं, वो ननियाल बच्चों के लिए खाना बनाती हैं जो अपना पेट भरते हैं, स्कूल में जाके जो खाना खाते हैं वो खाना ये बनाती हैं और इनको मिलता क्या है? मात्र 1500 रुपये महीने। आप सोच सकते हैं 1500 रुपये दिन का कितना पड़ता है महीने का? मात्र 50 रुपये। 50 रुपये दिन के इनका गुजारा होगा? इनका गुजारा होगा क्या 50 रुपये दिन से? और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने इतने रोजगार दे दिए, शायद 4.5 लाख रोजगारों में इनका भी वो रोजगार जुड़ा हुआ हो। 4.5 लाख रोजगारों में जुड़ा है क्या? क्या आपका भी रोजगार जुड़ा हुआ है क्या? 1500 रुपये मिलता है? हाँ, 1500 रुपये इनको महीने मिलता है। उनकी मांगे साफ तौर पर ये हैं, हमें कम से कम इतना तो मिले, इतना तो मिले जो हम कम से कम अपनी 2 वक्त की रोटी खा सकें। आप खाना भी बनाएंगे ना दिन में, 50 रुपये की आपको कोई थाली नहीं मिलेगी। थाली भी 100 रुपये की मिलती है, 100, 120, 130 रुपये की, कि जो अपना पेट भर सके एक टाइम का सिर्फ, समझ लीजिए, एक टाइम का 100 रुपये का खाना लेंगे तो 50 रुपये से इनका गुजारा हो जाता है। स्कूल में 500, किसी स्कूल में 400, किसी में 1000 बच्चे होते हैं, लेकिन सबका ये खाना बनाती है। उसके बाद वहाँ पे कोई लेटरिंग करता है उसको भी साफ करती है बेचारी। इनके ऐसे लोगों की नौकरी इन्हें दी जाती है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, बर्तन मांजती हैं, सब कुछ करते हैं, स्कूल में झाड़ू भी लगाती हैं। तो ये हालत है मतलब अपने उत्तर प्रदेश की। क्या 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 मांगे? रसोई में ऐसा है सर, जो बर्तन है वो भी हम सब धुलते हैं और ऊपर से मास्टर हेड मास्टर वो आप भी दिखाते हैं। अब किचन चू रहा है, रसोई में बताते हैं कि ऐसे ही बनाओ, कैसे गीले लकड़ी से बनाए हम लोग। योगी जी तो कहते हैं बहुत विकास हो गया, स्कूल तो ऐसे बन गए हैं। कुछ भी नहीं हुआ है सर, अभी तो देखा ना तो ऐसे। किस जिले से आई है मैडम आप? हम प्रतापगढ़ जिले से हैं। हाँ, तो आपकी साफ तौर पे मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं सर 10,000। 10,000? इन्हें कम से कम इतना वेतन मिले कि इन्हें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, कम से कम 10,000 इनकी मांगों को माना चाहिए। दादी कितनी उम्र है आपकी? और हमारा 40 साल है, तबीयत नहीं ठीक रही इसी बहुत, 40-45 साल। दादी को 40-50 साल है, लमसम मान के चलिए। मेन मुद्दा क्या है आपका, मतलब क्या चाहती क्या आप? हम चाहते हैं कि हमको 10,000 तनख्वाह मिले और 10,000 न दे सरकार तो मनरेगा के बराबर दे। 6 घंटा काम करते हैं, 9 बजे के स्कूल में 8:30 बजे आते हैं और 7 बजे के स्कूल में 6:30 बजे आते हैं, 8 बजे के स्कूल में 7:30 बजे आते हैं। सरकार तो कहती है सबका विकास कर दिया, आपका विकास नहीं? कुछ भी नहीं दिया, झूठा है। हाँ, किस जिले से हैं? अरे हम आए बरेली इलाहाबाद जिले से, लेकिन हम क्या करें, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 1500 रुपए हम बच्चे पढ़ाए कि घर चलाएं, क्या करें हम? हमारा कोई रोजगार, बेरोजगार है, इसी में हमारी रोजी रोटी चलती है, इसे 1500 रुपए। 1500 रुपए में तो आप अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में तो नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की तो आजकल फीस ही है। प्राइवेट में है सर, प्राइवेट में हमारा लड़का पढ़ रहा है और खड़ा भी है, सामने भी है, लेकिन हम क्या करें, साल भर की उसकी फीस भी हम नहीं जमा कर पाए, हम क्या करें? आपके नाम भी कटवाते हैं तो मास्टर भी उसको चिल्लाता है। इनका वो दर्द है कि 1500 रुपए में ये मतलब झलक रहा है इनके आंसू। हकीकत बात है उत्तर प्रदेश की, ये विडम्बना है, हकीकत बता रहा हूँ आपको, कि मतलब आप गांव में जाएंगे ना तो ये 1500 रुपए का भी काम करती है तो उसमें भी मास्टर वहाँ पे जो काम करते हैं सरकारी मास्टर जो होते हैं ना, उनको धमकी दे देते हैं, भाई इन्हें भी हटा देंगे तुमको अगर ज्यादा बहस करोगे। सर यदि हम पूरा मतलब
बच्चों का तो जितना भी रहता कार्य करते हैं, बच्चों का खाना बनाना, बर्तन धुलना, साफ सफाई हर चीज, उसके अलावा पूरा पूरे विद्यालय की सफाई, जितना भी टॉयलेट गंदा है उसकी सफाई, और जितना भी कार्य है मतलब बाहर अंदर का सारा कार्य, मतलब स्कूल खोलो बंद करो ये सारी ड्यूटी रसोइयां करे, मास्टर सिर्फ आए बैठे रहे। मास्टर जी चाबी दे जाते होंगे आपको और कहते होंगे सुबह सबसे पहले आप ही आए। कम से कम ये स्थिति सर 80% विद्यालयों में है। अब आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आप अगर अध्यापक हैं तो आपकी 50,000 60,000 70,000 80,000 1,00,000 रुपए तक सैलरी है स्कूलों में। उस स्कूल में ये काम करती हैं और इनकी सैलरी कितनी है 1500 रुपए। मिला ही नहीं 8-9 महीने से मिला, किसी का 2-2 हजार, 1500 रुपए नहीं मिला है, और किसी के अभी 2-2 साल से नहीं मिला, 1.5 साल से नहीं मिला सर, और पूरे यूपी के रसोइया का अभी 8 महीने मार्च से तनखा आज तक 1 रुपए नहीं आई है। इसीलिए ये सब दुख दर्द से पीड़ित है, कल से अपने अपने घर से चल के भूखे पैसे बोली नहीं निकल रही सर, इतना हम लोग परेशान हो गए हैं। बताइए 1500 रुपए अपने बच्चों को पढ़ा, अपना घर चलाए या अपना पेट पाले, क्या करे सर? मुख्यमंत्री जी यदि हम लोगों को देना है तो दीजिए, ना था अभी जहर दे के मार दीजिए, ये क्या करे? ये आपकी सरकार में अगर हम, आप कहते हो नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं, तो हम महिलाएं नारी ही तो हैं, क्या हम भारत की नहीं है? यदि नहीं है तो आप हम लोगों को गोली चलवा दीजिए। अगर यदि आप मानते हो कि हम आप महिलाएं हैं आपके देश की, तो आप हमारी मांग पूरी करिए। 5 मांगे हैं हमारी, हम लेके आए हैं, यदि शाम भर में पूरी कर देते हैं तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे, अन्यथा अनुरोध हमारा धरना चलता रहेगा सर। 5 मांगे जो आपकी, वो क्या क्या मांग है? सर हमारी पहली मांग है कि हमारा 6,000 कम से कम, वैसे तो 10,000 लेकिन 6,000 सम्मानजनक वेतन कम से कम मिलना चाहिए, जो 200 रुपए पर जी, 6,000 से तो कम 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। दूसरी मांग है हमारा जो 10 महीने मतलब 11 महीने का कार्य लिया जाता है, लेकिन हमको वेतन 10 ही महीने का मिलता है सर, न बाहर आके दें तो 11 महीना स्कूल खुलता है तो 11 महीने का पैसा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है सर। तीसरी मांग हमारी है कि हमसे जो अनवरत कार्य कराया जाता है विद्यालय में, हमारा भी कोई मतलब हमारा काम यही है कि बता दिया गया है कि आप लोग रसोइया का सिर्फ बच्चों का खाना बनाए, लेकिन काम इतना लिया जाता है कि बता तो रहे हैं सुबह जब से आते हैं 8:30 मतलब 9 का स्कूल है, 8:30 बजे आओ, 2 बजे के बाद जाओ, पूरा साफ सफाई झाड़ू पोछा बर्तन खाना बच्चों का मतलब ये करना होगा ना, जितना कार्य है सब रसोइया करे, स्कूल खोले स्कूल बंद करे सारा काम रसोई, इसको ना करवा के हमको ये बताया जाए कि हमारा क्या कार्य क्या है। अभी हमारा कोई साफ तौर पर ये कि आप अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, आप कहीं किसी भी प्रदेश से हैं, आप जब सुबह लेबर चौक पे जाते हैं तो लेबर लेके आते हैं ना लेबर चौक से, तो लेबर भी 350 रुपये लेती है पर डे, तब वो काम करती है आपके 8 घंटे, तो ये तो कम से कम 6-6 घंटे काम करती हैं, और वो ननिहाल बच्चे हैं जिनका पेट भरती हैं ये, उनकी चड्डी भी साफ करती हैं, उनकी लेटरिंग भी साफ करती हैं, उनकी पेशाब भी साफ करती हैं, तो आप 50 रुपये संतुष्ट नहीं है, 50 रुपए आप डेली के हिसाब से दे रहे, 1500 रुपए मात्र, ये विडंबना है अपने उत्तर प्रदेश की। यही कम से कम 15,000 होनी चाहिए हम लोगों की तनख्वाह, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि हम स्कूल में घास भी छुलाते हैं, घास भी छुलाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, जो जो काम करेंगे सब काम कराते हैं हमसे लोग। 50 रुपए देते और काम कम से कम 150-200 रुपए। हाँ घास भी काम कराते 3 बजे ना छोलो तो ताड़ना, ऊपर से देते हैं कि निकाल दे भाई, ये कर भे वो कर भे, दुनियादारी हमको ताड़ना देते हैं। लेटरिन कर दे तो सभी भगा। किस जिले से आई मैम? हाँ माँ, इलाहाबाद। हाँ मेरे पास और भी लेडीज हैं यहाँ पे, उनसे भी बात की जाए। कहाँ से आई हैं अम्मा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। हाँ। तो मतलब क्या लगता है जो रुपए मिलते हैं आपको, तो संतुष्ट नहीं है? क्या होता है साहेब इसमें, 50 रुपए में क्या होता है? पान थूक खा के थूक देते हैं लोग, मर्द लोग। हम लोग 50 रुपए में दिन भर 3 बजे आते हैं काम करके, उसमें पिसना पिसाते हैं, उसमें झाड़ू पोछा करते हैं, खाना बनाते हैं। और सर साहब हम जब आते हैं तो मास्टर लोग घर चले जाते हैं, हम बाद में ताला बंद करके घर जाते हैं, घर आके कुछ नहीं काम, कौन काम कर सकते हैं, कौन मंजूरी को पूछ सकता है, कौन क्या कर सकते हैं साहब? अब वो जो है अपने घर का काम कर, मतलब जो मास्टर का काम होता है सुबह आके स्कूल खोलना, वो काम भी आप ही को करना। हाँ, पिसना उसना सब हम ही पिसाते हैं। देखो हमारे घर में 4 लड़कियां भर हैं, हमारे पास मर्द भी नहीं है, हमारे माने लड़का भी नहीं है, मैं मर्द। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अम्मा ने कही है कि इनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गए हैं, वो हस्बैंड भी नहीं है इनके, और घर का मतलब
स्थिति इनकी उसी से पहनावे से पता चल जाता है क्या स्थिति होगी इनकी, घर की कंडीशन क्या होगी। भाई 1500 रुपए की नौकरी कौन करेगा, वही तो करेगा ना जो गरीब तबका होगा, जिसके घर पे आमदनी सिस्टम नहीं होगा, जिसका रोजगार नहीं सही से चल रहा होगा, यही तो सिस्टम है ना साहब। मजबूरी है इसलिए हम बच्चों को छोड़ के सबको छोड़ के यहाँ पर आए हैं, सबसे भीख मांगते हैं कि हमारे पेट की रोटी दो और बाकी हमारी मांगे पूर कर दो। किसान भी तो 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कल क्या हुआ किसानों के साथ? खेती भी हमारे कम है, ऐसी नहीं ना कि हमारे खेत में हो जाए कि हम उसी को खम। तो आपको लगता है कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी? अब मांगे हमारी पूर कर दें, हम मान लेंगे कि हाँ अब हम लोग कहाँ से आई है? कुसाम्बी से। कुसाम्बी से? हाँ। क्या मतलब क्या मांग आपकी मानी जाएंगी या नहीं? मांग सब मांगी जाई मानी जाई, हमारा 6-6 महीने का पैसा नहीं आवा। 6 महीने हो गए? हाँ, तीसरा साल पूरा होएगा, चौथा साल लाग है। हम आए कौसाम्बी से। कौसाम्बी से? हाँ। तो रुपए नहीं मिले अभी 6 महीने से? हमारा 8 महीने हो गए नहीं मिले। 8 महीने से? हाँ नहीं मिले। और हमारा किसी का आया भी नहीं, जब से स्कूल खुला पैसा आया भी नहीं, अपनी साल का किसी का नहीं आया, कोई विद्यालय में नहीं आया जी। तो वो कैसा खर्चा चलाए, कैसा क्या करे, अब आंसू के अलावा कोई आगे चारा दिखाते ही नहीं है, कैसा करे। जो यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे भी बात की जाए, क्योंकि क्या लगता है मतलब इनकी मांगे क्या मांगे रखी हैं आपने? सर जी, ये मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश सरकार और भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से करोड़ों नौनिहालों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं, जो देने वाले लोग हैं, स्वयं भूखे हैं। इस महंगाई में 1500 रुपया मात्र से वो अपने बच्चों को क्या कहें, वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। बल्कि इसी स्थिति को देखते हुए अन्य प्रदेशों ने अपने बजट में से रसोइयों का मानदेय बढ़ाया है, जैसा कि हरियाणा में 2500 है, कर्नाटक में 3000 है, पांडिचेरी में केरल में 9000 है, पांडिचेरी में रसोइयों का 19000 तक का मानदेय दिया जा रहा है। तो ये अपने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इनको तो रसोइयों का मानदेय कहना ही नहीं चाहिए, इनको तो कम से कम नरेगा के बराबर, जो कि सरकारी न्यूनतम मजदूरी होती है, उस अनुरूप से 200 रुपये पर डे के हिसाब से 6000 रुपये तो बगैर कहे ही कर देना चाहिए। हम लोगों की ये प्रथम मांग है कि रसोइयों को मानदेय 1500 रुपया से बढ़ा करके कम से कम 6000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए। वेतन होना चाहिए सम्मानजनक कम से कम। यहाँ पे क्या लगता है कि आपकी मांग मान ली जाएगी? सर मान ली जाए तो अच्छा है, अगर मंत्री जी हमारी बातें मान लेते हैं, हमारी 4 लाख गरीब रसोइयां जो पूरी यूपी की है, वो आपको वोट देने के लिए पूरा सक्षम है। यदि आप नहीं मानते हो हमारी बात है, तो हमारा धरना ऐसे ही चलता रहे, फिर हमारी मर्जी कि हम किसको वोट देते हैं। अच्छा। सर जी ऐलान कर दिया, अगर मांगे नहीं मानेंगे तो वोट नहीं देंगे जी। नहीं भाई, हम भूखे हैं, भूखे हैं तो देंगे। ऐलान किए का हुई जो खाता मनाई तो का हुई कि ऐलान किए का मतलब निकली अलान तो कई देते कई बार हो जाते है। अलान किसका मतलब? वही लुका लुका डेला मारी है तो भूखे हमारे पेट है, कोई खाक नहीं दे तो कौन तकले काम रहता है। हाँ, सैफाबाद हमारे घर लड़कियन भूखन मरता है घर, हमसे यहाँ अपन पेट लग भाग गया ये। हाँ, हमको सब का कुछ ये इलेक्शन में भी ड्यूटी किया जाता है और लॉकडाउन में भी ड्यूटी किया गया है। सैनिटाइजर हम लोगों को करना पड़ रहा, जब विद्यालय खुलने का डेट आया तो सारा काम हमसे कराया गया, नियुक्त किया गया है सफाई कर्मी को और काम कराया जा रहा है रसोइया से। मतलब सफाई कर्मी वाला भी काम आप ही से किया? जी, नहीं जाते भाई सफाई कर्मी वाले, नहीं जाते, हम लोग खुद के करते, जिसके पास आदमी नहीं वो भी क्या खाए, क्या करके बच्चे जिया। सर जो कहते हैं कि उसमें वो 8 महीना पैसा नहीं मिलता है, बताइए हम बच्चे कैसे पाले, कैसे पढ़ाए लिखाए, अभी 1 रुपया नहीं पाए, पिछले साल की पड़ी है पैसा, इस साल की भी पड़ी है। जो आधी रात हो जाए, जो कहते हैं कि बना के पूरे प्रशासन को खाना खिलाना पड़ता है, इसीलिए कि प्रधानमंत्री जी या योगी जी हम लोग को दर्द समझेंगे, या आज ये लिखित दें कि ये किसी भी कारीगर को एक तहरी बनाने के लिए लाए और 500 बच्चों को बनाकर खिलाए, वो कारीगर कितना पैसा मांगता है,
तब हम लोगों का दर्द समझे गए कि कैसे बनाती हैं। ये उत्तर प्रदेश के वो रसोइया हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन लखनऊ के अंदर की हमारी मांगों को माना जाए। अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, बड़े आंदोलन में तब्दील करेंगे। यहाँ पे जितने भी लेडीज हैं और भी संख्या बोल रहे हैं कि हम अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, देखते हैं संख्या इनकी और बढ़ती है और लोग आते हैं। यहाँ से कैमरा मैन विनय के साथ अनुराग कुमार, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।